हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो ये वीडियो है, आप थोड़े मिनट तक देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी, वो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। और आप जो सुनने जा रहे हो वो भी एक शॉकिंग होगा। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पेड़ हमारे देश में कटते हैं और हर रोज के 27,000 ट्रीज आर कटिंग डेली, यानी कि 27,000 ट्रीज हर रोज कट होते हैं। और 365 दिन का आप अगर हिसाब करोगे तो 365 मल्टीप्लाई बाई 27,000 करोगे, 1 करोड़ के आसपास ट्रीज हमारे एक साल में कटते हैं। यानी कि इससे आप समझ सकोगे कि अगले 100 साल में हमारे जीवन है वो जीने के लिए डेंजर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमें मिलता है ट्रीज में से, अगर ट्रीज ही नहीं रहेगी, पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। इसीलिए और आपको ये भी सुन के आश्चर्यचकित होगा कि जो ट्रीज कट रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है पता है? पेपर है। जो पेपर्स हम यूज करते हैं लिखने के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, वो जो पेपर्स है वो कहाँ से आते हैं? तो वो ट्रीज में से। पहले क्या था कि ट्रीज जो है वो सूख जाते थे, उसको बाद उसको काटा जाता था और पेपर बनाए जाते थे, पर 35% ऑफ ट्रीज आर कट बिकॉज द यूज ऑफ पेपर। हम जो पेपर यूज करते हैं उससे 35% ट्रीज कट होते हैं। पर इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा पेपर्स ट्रीज कट हो रहे हैं वो अभी का मेन रीजन है टिश्यू पेपर, जो हम हर रोज यूज करते हैं बाथरूम में जाने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए, हैंड को साफ करने के लिए, मुंह पोंछने के लिए, कहीं पे होटल पे जाते हैं तो हाथ पोंछने के लिए, सब जगह पे जो हम टिश्यू पेपर यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा वेस्ट में, यानी कि जो ट्रीज जो होते हैं फ्रेश ट्रीज उसमें से बनाए जाते हैं। जितने जितने हमारी डिमांड बढ़ती गई उतना वो पेड़ कटिंग जो है वो पेड़ों का कटना ज़्यादा होता गया। और अभी वो स्टेज पे हम है कि जहाँ पे अगर ऐसे ही चलता रहा तो 100 साल के बाद जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप सोचोगे इसको हम कैसे ओवरकम करें, कि क्या करें कि पेड़ कम कटे। तो मैं आपकी लाइफ में जो हमारी लाइफ है उसमें थोड़ा चेंजेस करने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा चेंज क्या करना है। सबसे पहला चेंज, जितना भी हो सके अपने पॉकेट में एक हैंडकरचीफ रखो, यानी कि एक रुमाल रखो। अगर मोबाइल रखने के लिए आपके पॉकेट में यानी कि जेब में जगह है तो एक हैंडकरचीफ के लिए भी होनी चाहिए। सेकेंड चेंज क्या है कि जितना भी हो सके आप हाथ वॉश, हैंड वॉश करके आप खाने से पहले और खाने के बाद हैंड वॉश करो, टिश्यू पेपर का यूज़ मत करो, क्योंकि हैंड वॉश करने के बाद हमारे पास जो हैंडकरचीफ होता है उससे हम अपना हाथ पोंछ सकते हैं। टिश्यू पेपर हो सके इतना कम यूज करो। थर्ड चेंज क्या है कि कहीं जहाँ जहाँ हमें टिश्यू पेपर की जरूरत होती है वहाँ आप लोग सिर्फ हैंडकरचीफ रख दो या फिर नैपकिन रख दो। मोबाइल अगर आप पूरे दिन यूज करते हो तो हैंडकरचीफ भी पूरे दिन पॉकेट में होना चाहिए, और अगर आप बाथरूम में गए तो उधर एक हैंडकरचीफ रख दो, यानी कि एक नैपकिन उधर रख दो, एक जहाँ जहाँ आपको चाहिए, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है उधर सब जगह पे नैपकिन और हैंडकरचीफ रख दो, जिससे क्या होगा कि टिश्यू पेपर का यूज़ कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ गिर जाता है तो भी हम पोंछने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं। इससे अच्छा है कि कोई क्लॉथ है उससे हम साफ़ कर लें या हैंडकरचीफ से साफ़ कर लें। सिर्फ क्या प्रॉब्लम रहेगा कि हमें धोना पड़ेगा, पर उसमें इतना पानी नहीं चाहिए। आप लोग बोलोगे कि अगर टिश्यू पेपर का यूज़ ना करें तो पानी का वेस्ट बढ़ जाएगा, पर एक रिपोर्ट के अनुसार आप जब देखोगे सुनोगे और गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो कि एक रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है कि हम जो टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं उसका एक रोल, टॉयलेट पेपर का एक रोल बनाने के लिए 37 गैलन ऑफ वाटर चाहिए, यानी कि 37 गैलन पानी चाहिए, और कटिंग ऑफ ट्रीज अलग से। तो इतना गैलन तो हमें नहीं चाहिए हैंड्स वॉश करने के लिए या फिर मुंह पोंछने के लिए। हमें थोड़ा चेंजेस अपनी लाइफ में करना है। 2 से 3 चेंज अगर आप लाइफ हैबिट में जो करोगे तो ट्रीज कटना है वो कम हो जाएगा, और इससे हम आगे अपना जो लाइफ है वो सर्वाइव कर सकेंगे। अगर ये और एक बात और, मैं आज से ही प्लेज लेता हूँ कि मैं टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं करूँगा। मेरी तरह आप लोग भी प्लेज लीजिए कि जितना भी हो सके टिश्यू पेपर का यूज़ ना करें, और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो जहाँ पे 4 टिश्यू पेपर यूज़ करते हो वहाँ पे 1 ही टिश्यू पेपर यूज़ करो। इतना प्लेज ले लो, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो शेयर करो कि बाकी लोगों को भी पता चले और टिश्यू पेपर का यूज़ कम हो जाए, कि जिससे पेड़ भी कटना
कम हो जाए और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहे और हमारा सर्वाइवल भी ज्यादातर टिका रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।